वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, हम लोग भिन्न चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/5 भाग एक मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है 4/9 भाग बाल्टी का भरने में एक मिनट लग रहा है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा यह ज्ञात करना है हमें। शेष भाग ज्ञात करने के लिए इस जो भाग दिया है उसको एक से घटाते हैं, आ जाएगा यहां पर 5/9 आ जाएगा, शेष भाग 5/9। तो क्वेश्चन के हिसाब देखते हैं, यहां पर एक एक नियम से 4/9 भाग को भरने में एक मिनट लग रहा है, एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाएगी इतना मिनट। फिर शेष भाग 5/9 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, 5/9, 9/4 ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा 9 से 9, तो आ जाएगा 5/4 मिनट। तो बाल्टी को शेष भाग बाल्टी के भरने में 5/4 मिनट लगेगा, तो इस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है, यदि किसी 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तक तय करेगी। मतलब कोई गेंद है ऊपर से गिराई जा रही है, यह जो है पहली बार जब टकराती है धरती से तो पूरी ऊंचाई का 3/4 भाग उछलती है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है तीसरी बार उछाल में वह कितना ऊंचाई तय करेगी। तो इसके लिए इसको हल करते हैं, टोटल ऊंचाई दी है 32 मीटर, तो पहली उछाल में 3/4 भाग ऊपर तय करती है ऊंचाई। अब इसको हल करते हैं, 4/32 आ गया, 8 + 6 = 24, 24 मीटर पहली बार जो टकराएगी इतना उछलेगी। फिर दूसरी बार के लिए फिर इसको 3/4 से गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24, तो 36 = 18 मीटर दूसरी उछाल में उछलेगी। फिर क्वेश्चन के अनुसार फिर तीसरी उछाल में 18 मीटर बचा है, 3/4 भाग यह उछल रही है, तो हो जाएगा इसको काटते हैं, 9 × 9 = 27, 27/2 इसको लिख सकते हैं, 13 × 26 मतलब इतना लिख सकते हैं, इतना मीटर उछलेगी। इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं, क्वेश्चन में दिया है जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है, यदि ऊंचाई दी है 32 मीटर से गिराया जाता है तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। तो यहाँ पर हर टक्कर में वह अपनी ऊंचाई का 3/4 भाग उछल रही है, तो हिसाब से 3/4 भाग तो 3 बार इसमें गुणा करेंगे उसके बाद निकाल लेंगे इस हिसाब से, तो आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 सहित 3/4 भाग के बराबर होगा,
यहाँ पर धनराशि ज्ञात करना है। मान लेते धनराशि यक्ष है, यक्ष का 5/12 ₹100 के 3/3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पर 100 और 3 सही 3/4 के बराबर है। इसको हल करेंगे, ये 100 और ये पूरा करेंगे, यहाँ पर 4 3 12 और 3 जोड़ेंगे 15, 15/4 इसको 5/12 तो लिखेंगे। यहाँ पे आप काट देंगे, 4 से काटते हैं इसको, 4 25 25 100 होता है। फिर यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 25 फिर एक्स इक्वल टू यहाँ पर 15 75 हो जाएगा। फिर इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पर 75 × 12 गुणा करेंगे, 12 5 60 12 284 6 90 900 आ जाएगा। यहाँ पर धनराशि 900 हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले भिन्न मान लेते हैं, इस टाइप सवाल में भिन्न मानते हैं पहले, x बटा y कोई भिन्न है। फिर क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, अंश और हर में 1 जोड़ने पर मान 2 प्राप्त होता है, तो भिन्न है, यहाँ पर जोड़ देंगे अंश और हर में, इसका मान 2 प्राप्त हो रहा है। फिर इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 2y प्लस 2। फिर इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर इसको एक को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस होगा, 2 में से 1 गए 1 बचेगा, ये समीकरण 1 हो गया। फिर अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है, और भिन्न में 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर भिन्न ये दिया है, इसमें 1 घटाते हैं तो इसका मान 4 प्राप्त होता है। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे 4y माइनस 4, इसको एक तरफ ले जाएंगे, x माइनस 4y एक को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा वो। फिर इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को अब हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं आपस में, समीकरण इसमें 2 से गुणा करके, नहीं समीकरण 2 में समीकरण 1, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। समीकरण दिया है x माइनस 2y, इसको इस तरफ लेके आते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको लिखते हैं x माइनस 4y, फिर इसको इस तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर में से इसको घटाएंगे, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर x कट जाएगा ये, तो यहाँ पर 4y में से 2y घट जाएगा, 2y बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस है तो 4 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू आ जाएगा 2। फिर इसको अब समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रखते हैं इसका, x
इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स का मान 5 आ गया। तो भिन्न प्राप्त हो रही है, भिन्न को एक्स अपान वाई माना था मैंने, भिन्न प्राप्त हो रही है 5/2। तो इसमें पूछ रहा है भिन्न का अंश क्या होगा, भिन्न का अंश 5 होगा, तो ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कोई संख्या है, मान लेते हैं x है, उसका 1/15 करने को कहा गया है इस छात्र को, लेकिन छात्र ने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आ रहा है। तो पहले इस टाइप क्वेश्चन में संख्या को x मान लेते हैं, उसके बाद फिर कह रहा है 1/15 करने को कहा गया, 1/15 इसको करते हैं, फिर उसके बाद संख्या का 1/3 किया गया है, जिससे उत्तर 16 अधिक आ रहा है। तो 16 अधिक, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों का अंतर मतलब 16 आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम 15 लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3 × 15 5x हो जाएगा, यहाँ पर 15 भाग दिया एक आया तो यहाँ पर x हो गया इक्वल टू 16, फिर यहाँ पर घटा देंगे 4x/15 इक्वल टू 16, 4 से 16 काटा गया 4 आया, तो हो गया इसका त्रिज्या गुणा किया गया उत्तर आ गया 60, 15 × 60, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार पहले संख्या x मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या का 1/3 75 है, संख्या का 1/3 75 है, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी x इक्वल टू 75/3, ये संख्या हो गई। तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। अब यहाँ पर 45, इसका कौन सा हिस्सा 45 होगा इस संख्या का, तो संख्या का कौन सा हिस्सा 45 होगा, इसके लिए 45 उस संख्या से और 45 में भाग दे देंगे। संख्या ये है, अब इसमें भाग दिया गया तो इसको काट देंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, आ गया 1/5। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसे कौन सा हिस्सा 45 होगा, तो 1/5 हिस्सा उसका 45 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।